देखिए, हम लोग को उस दिन लग रहा था कि कश्मीर फाइल बना दिया गया, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को मारा गया। ऑनलाइन पानी तो कुछ नहीं है, हम लोग भूखे प्यासे किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं खाना है, न पीना है। ऑपरेशन अलग ढकेल दिया, गेहूं छीट दिया, बर्तन जान दिया। हमारा 10-15 दिन काले परसों टाका कर। इतने सारे जेंट्स थे, इतना मार मारा है, मुझे मारा भी, मैं बेहोश हूँ। कहने लायक है नहीं है, सब घर द्वार टूट गया, अब क्या करें। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजधानी पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में हुए मामले तो आपसे छुपे नहीं होंगे। जिस तरीके से जिला प्रशासन ने एकाएक सुबह में 70 घरों पे बुलडोजर चलवा दिया, उसके बाद हालात क्या है आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। देखिए किस तरीके से आशियाने उजाड़ दिए गए हैं और किस तरीके से यहाँ पे मायूसी के साथ लोग बैठे हुए हैं। कुछ महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनके आशियाने छीन लिए गए हैं। और इस वक्त जब लू चल रही है और बिजली पानी तक की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में ये लोग कैसे रह रही हैं, कैसे सरवाइव कर रही हैं, यहाँ पे कितना मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले आप बताइए क्या हुआ था उस दिन, किस तरीके से प्रशासन आई और एकाएक आपके घर पर बुलडोजर चलवा दिया गया। संडे को प्रशासन आई, बोली रोड इस तरफ नहीं टूटेगा। उसके बाद में मंडे को 20 पुलिस हमारे घर में घुस गए, ठीक ना, बोल रहे हैं जल्दी सामान खाली करो, जल्दी सामान खाली करो। हम बोले कि नहीं, कोई नहीं, अकेले हम कैसे सामान खाली करें। ज़बरदस्ती पुलिस और जेंट्स दोनों, लेडीज क्या कहते हैं, पुलिस और जेंट्स दोनों मिल के अब मैंने घिसटने लगे और सामान फेंका फेंकी करने लगे। और उसके बाद में पूरे मकान को बुरी तरह ढा दिए, सब सामान उसी के अंदर दब गया, ठीक ना। आपके सूट पे ब्लड का निशान है और ये किस तरीके का ब्लड है ये बताइए। लेडीज जो पुलिस थी ना, ऐसे हम अपने गेट से नहीं उतर रहे थे तो ऐसे धक्के मार के ढकेल दी ना, तो पूरे ये मुंह फूट के ये सब ब्लड गिरने लगा। हाँ, शाम में 3:54 में स्टे लगने के बाद 4:10 में मेरी मकान तोड़ी गई है, स्टे लगने के बाद। विधायक आए थे, विधायक आए हुए थे, क्या कल आए थे, क्या बोल के गए। वो चौरसिया जी बोले कि आप लोग के घर से जो भी सामान चोरी हुए हैं और जो जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किए गए हैं, आप लोग एक केस फाइल कीजिए पूरे महिला मिलकर, यही विधायक बोले। ऑनलाइन पानी तो कुछ नहीं है, हम लोग भूखे प्यासे किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं। लाइन पानी की व्यवस्था नहीं है, किस तरीके से रह रहे हैं आप लोग। कुछ नहीं है, कुछ नहीं खाना है, न पीना है। ऑपरेशन अलग ढकेल दिया, गेहूं छीट दिया, बर्तन जान दिया, अब मार दिया। कहते हैं कि दवा बीरो देखिए हमारा हाल, ऑपरेशन होके आया है, अंदर का ढकेल दिया। प्रशासन तो ये बोल रही थी कि महिलाओं के तरफ से ईंटें चलाए जा रहे हैं। नहीं नहीं चलाया, हम तो पड़ल रहे, कोई नहीं चलाया, प्रशासन ने चलाया ईंटा बेलाया हमने की। आपका ऑपरेशन कब हुआ। हमारा 10-15 दिन काले परसों टाका कट। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ। कोठे के आबायती बजना आयती के गोला के, यही में आके पड़ल रहे हैं, जल्दी हमारा की काल के बिला दिया। तो देखिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मानवता भी शर्मसार हो रही है। यहाँ पे और भी लेडीज हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह के हालात थे उस दिन। देखिए, हम लोग को उस दिन लग रहा था कि कश्मीर फाइल बना दिया गया, लेकिन वो कश्मीर फाइल यहाँ अगर बनता तो उससे बेहतर बनता। सुबह 7 बजे ही बुलडोजर आ गए था, 6 बजे, 6 बजे नहीं 6 बजे सॉरी 6 बजे, और प्रशासन पूरी फौज प्रशासन की हम लोगों के कैंपस में भीड़ हो गया, जुट गया, सामान खाली करो, ये करो, वो करो, रेत एक लैंग्वेज का भाषा है। इस टाइम में तो बहुत सारे लोग सोए होंगे, सुबह का टाइम। हम लोग बच्चे तो सारे सोए हुए थे, क्योंकि दिन में जो हालात है बाउंड्री को देखते हुए बच्चे 3 बजे तक जगे हुए थे, लेकिन 1-1.5 घंटा के लिए सोए थे हम लोग, तो जगे हुए थे क्योंकि दहशत था। हम लोगों को रात में ही बोला गया था कि आप लोग सामान की खाली कीजिए ना, तो आज तो कम मारे हैं, कल तो और मारेंगे। आपसे जानना चाहेंगे आपके साथ भी मारपीट हुई थी। नहीं मैम, मैं तो नहीं थी, पर मेरा बिना मौजूदगी मेरा घर को तोड़ दिया गया और सामान भी सारा चोरी हो गया। सामान चोरी, तो इस समय ये भी देखने को मिल रहा है कि सामान भी चोरी हो गई। इस वक्त हमारे साथ एक और पीड़ित मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उस दिन के हालात क्या थे। उस दिन के हालात बहुत ही ख़राब थे, ऐसा था कि ना कोई इधर से बाहर जा सकता था, ना बाहर से कोई आ सकता था। हालात ऐसी थी कि लग रहा था कि हम लोग कहीं से कोई डकैत है लाके कुछ रखे हैं, जिस वजह से हम तो उनसे बहुत सारा रिक्वेस्ट भी करने गए थे कि 2 घंटा का टाइम दे, हम अपनी निकाल लेते हैं,
उसके का जो कार्रवाई आप कीजिएगा। हम नहीं, उन्होंने ठेल दिया। इसमें आपका घर का है? मेरा देखिए किस तरीके से घर को ठेलने के बाद उजाड़ दिया गया है। गेट के सामने आए और आ करके ठेल इतनी जोर जोर से ठेल रहे थे, उसके बाद मुझे ठेलने के बाद निकाल करके इतने सारे जेंट्स थे, इतना मार मारा है मुझे, मारा है कि मैं बेहोश हो गई। तो अगर लेडीज फोर्स नहीं थी, लेडीज थी लेकिन मुझे घींचा गया, जेंट्स नहीं घींचा, लेडीज नहीं घींचा। घींचने के बाहर बाहर में इतने पीटे किस लिए, क्योंकि आप रोक लगा रही थी। अब मेरा घर है, आप मेरे घर में स्पेशली आएंगे 50 लेके, हम कैसे नहीं रोकेंगे आपको? आप तोड़ने आए तो आप वहां से तोड़ते हुए आएंगे तभी तो तोड़ेंगे ना, आप फीट पे तोड़ रहे थे, उसको छोड़ के आप मेरे घर के पास क्यों आए? और दूसरी बात, घर पे आने के बाद घर को ये सारा तोड़ दिए, घर में मेरा गले में चैन भी चला गया, मेरा पर्स वो भी चला गया, घर का एक सामान नहीं बचा है, सारा सामान लेके चले गए। बहुत ज़्यादा चोट के इसमें ये पूरी फूली हुई है और पता नहीं गर्दन को पता नहीं क्या किया उन लोगों ने, मैं खाना भी सही से नहीं खा पा रही। तो देखिए चोट के निशान ऐसे ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे दिखाया नहीं जा सकता है। यहाँ पे कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जाने की कोशिश करते हैं। उस दिन के हालात के बारे में क्या कहना चाहिएगा? हम क्या कहें, हम कहने लायक है नहीं है, सब घर द्वार टूट गया, अब क्या करें। देखिए किस तरीके से दर्द छलक रहा है, आप बताइए उस दिन क्या सिचुएशन था? उस दिन तो मैं नहीं थी, मैं मेरी दीदी ही थी, मैं जो इन्होंने बुलाया है तो मैं इनके मैं देखी हूँ। दीदी का हालत ऐसा था कि इनको बोलने के लिए कुछ खाने के लिए शक्ति नहीं था, घर तोड़ दिया किस तरीके से, पूरा घर को घसीट घसीट के निकाला, ये कौन सा तरीका था? तो देखिए किस तरीके से लोगों का दर्द छलक रहा है और जो तस्वीरें हैं उसको देखने के बाद आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के आशियाने उजाड़ दिए गए हैं और किस तरह से तबाही मचाई गई है। हालांकि मकान अवैध हैं या वैध है ये तो फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन जिस तरीके से यहां पे तबाही मचाई गई है उससे जिस तरीके से मारपीट की खबर जो सामने आई है, हालांकि महिलाएं ही बोल रही कि उनके साथ मारपीट हुई है, उनके चैन छीन लिए गए हैं, घरों से सामान भी गायब है, तो ये तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।